कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष होता है। सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने अपनी इस मेहनत के दम पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की है। इस मौके पर चैनल के सीईओ एसबी नारंग भी मौजूद रहे। पेश है इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत ही कुंजी है। इस बात को सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने सिद्ध कर दिखाया है। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर मुकेश राजपूत को पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। इतना ही नहीं, उनकी पहचान देश के निष्पक्ष और दमदार संपादक के तौर पर होती है, जिन्होंने जन सरोकार के मुद्दों को न सिर्फ दमदार तरीके से उठाया बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया है। ईटीवी हरियाणा, न्यूज 18 हरियाणा, खबरें अभी तक जैसे चैनलों में संपादक रहे मुकेश राजपूत ने उन्हें हरियाणा में एक बड़ी पहचान दिलाई है। उनके नेतृत्व में लॉन्च हुए सूर्य समाचार ने बेहद ही कम समय में खबरों की दुनिया में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, इकोल सुपीरियर रोबोट डी सोबोन, जो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे जिन लोगों का 15-20 साल का काम में अपना एक्सपीरियंस है और जो पीएचडी नहीं कर पाए उनको फ्रांस के रूल के हिसाब से, पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से हम डिग्री देते हैं। और भारत सम्मान अवार्ड जो है, एक हमारी इंस्टीट्यूट है IIPPT, वो डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के मेमोरी में हमने बनाया है। जिन लोगों ने अपने इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है या अपने प्रोफेशन में अच्छा काम किया है, हम कोशिश करते हैं कि उनको ये एक ऑनर दें, इसके लिए हमारा भारत सम्मान अवार्ड है। मुकेश राजपूत के साथ पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा, वेब ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र सिंह राजू समेत अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 58 लोगों को ये मानद उपाधि दी गई। इस दौरान IIPPT फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र चौधरी की याद में भारत सम्मान अवार्ड भी दिए गए, जिसमें मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी, सदगुरु साक्षी श्री महाराज, राजेंद्र सिंह चड्ढा समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। आज हमने जो दिए, आप देखे कि दलेर मेहंदी जी हमारे स्टेज पे आए, उनको भारत सम्मान हमने दिया। राजू चड्ढा जी जो वेव ग्रुप के चेयरमैन है, उनको हमने पोस्ट डॉक्टरल दिया। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी है जो अपने बेला मोंडे के चेयरमैन है, हमने उनको डॉक्टरेट दिया। विजय शेखर शर्मा, डॉक्टर विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के MD CEO है, उनको हमने डिग्री दी है। कृपालू महाराज जी है, सदगुरु जी है, साक्षी महाराज जी है, उनको हमने दिया। अतुल गुप्ता जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पास्ट प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट के, उनको हमने दिया। डॉक्टर राकेश बंसल जो ZTV के पैनल पे जी बिजनेस में आते हैं, उनको हमने डॉक्टरेट दी। इससे पहले सोरबोन इंटरनेशनल अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये मानद उपाधि देता रहा है। मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह, कोच ग्रेग चैपल, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, सांसद मनोज तिवारी समेत कई जानी मानी हस्तियों को ये मानद उपाधि दी जा चुकी है। समाज में अगर ऐसे लोग ना हो जो कि समाज सेवी हों या निष्पक्ष तरीके से सेवा करने के लिए हों, तो इन लोगों की आज बहुत ज़रूरत है भारत को। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स और सब लोग इसके बढ़ चढ़ के देश की सेवा करें और सबको ये उपाधि मिले। इस मौके पर चैनल के CEO SB नवरंग भी मौजूद रहे। इस बड़ी और बेहद ही खास उपलब्धि के लिए डॉक्टर मुकेश राजपूत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।